नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंचमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने समाज में सुना होगा हमारे जाति प्रथा का प्रचलन कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि कुछ जातियां हैं जो ऊंची हैं और कुछ जातियां नीची हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस जाति के ऊंचे नीचेपन की, तो हमें जो जिसे बोलेंगे पौराणिक पुस्तकों ग्रंथों में जो मिलता है वह बिल्कुल अलग मिलता है। कैसे कि बोलते हैं कि ब्राह्मण जात से पैदा होता है, ब्राह्मण जाति है। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे साक्ष्य आपको देंगे कि ब्राह्मण जाति से नहीं पैदा। तो ब्राह्मण कौन है? जो आप आज देख रहे हैं ये 5-6 हज़ार जो जातियां हैं ब्राह्मणों की, यह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कर्म करने से होता है और ब्राह्मण अपने उन कर्मों से होता है जो कर्म उसे ब्राह्मण बनने के लिए प्रेरित करते हैं या ब्राह्मण बनने के लिए वह अपने वो कर्म करता है। लेकिन आप सभी ये वीडियो देख के आज दंग रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे कि वास्तव में हमें कितना बेवकूफ़ बनाया। आज ये हमारे समाज में सैकड़ों जातियाँ अपने आप को ब्राह्मण कहती हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हैं, वो जाति नहीं है। ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण अगर जाति होता तो वेश्या के कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बन सकता है? कभी बनने देता कोई ब्राह्मण? नहीं बनने देता। इसी तरह मृगी के पेट से जन्मा, हिरनी के पेट से जन्मा व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बन सकता है? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही मज़ेदार पुस्तक ब्राह्मण निर्णय नाम की मिली है, वह मैं आपको सुनाऊंगा कि आप सभी सोचेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा था। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर समय न गवाते हुए। इसमें ब्राह्मण निर्णय पुस्तक का पूरा डिस्प्ले मैं यहाँ दे दूंगा कि पुस्तक क्या है, और जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी बेफिक्र रहें, आपको पूर्ण दस्तावेजों के साथ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप इसे गौर से सुनिए। ब्राह्मण निर्णय शीर्षक है। ब्राह्मण यह हिंदू धर्मानुकूल वर्णाश्रम कर्म में से सर्वोच्च वर्ण है। इसे ही लोगों ने जाति भी मान रखी है और इस वर्ण के लोगों को ब्राह्मण जाति कहकर भी पुकारा करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण नाम पड़ा। इसकी व्युत्पत्ति ऐसे होती है कि ब्राह्मणी विप्रस्य प्रजा पतेर अपस्त्यतम, अर्थात जो विप्र प्रजापति की संतान है वे ब्राह्मण कहे, अथवा जो सांगोपांग वेद को पढ़ाता है वह ब्राह्मण कहाता है। कोशकार ने ब्राह्मण के 6 नाम लिखे हैं, यथा कौन, ब्राह्मण कौन है, वो 6 नाम लिखे हैं। द्विज, अग्रजन्मा, भूदेव, वाणव, विप्र और ब्राह्मण, ये 6 नाम ब्राह्मण के हैं। इसकी जाति पर मीमांसा करना है। इस ही जाति के कर्तव्य लक्षण कर्म धर्म उत्पत्ति आदि की मीमांसा रूपी यह ब्राह्मण मीमांसा ग्रंथ है। अन्य कोशों में ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची कई शब्द लिखे गए हैं, यथा शब्द रक्षावली में लिखा है कि द्विज, सूत्रकंड में लिखा है ज्येष्ठ वर्ण, अग्रजातक में लिखा है द्विजन्मा, वक्रज में लिखा है मैत्र, वेदवास में लिखा गया है नय, गुरु, ये नाम ब्राह्मण के हैं। इसी की तरह राजनिघंटु में लिखा गया है कि ब्रह्मा, पटकर्मा और द्विजोत्तमा, ये नाम ब्राह्मण के हैं। तो साथियों, वो भी आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई कि ब्राह्मण के क्या क्या नाम हैं, ब्राह्मण कौन है, कैसे है। अब आपको जानकारी मिलेगी ब्राह्मण जन्म से होता है या गुण कर्म स्वभाव से होता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे चिलम फूंक रहे हैं, सुबह शाम मदिरा में मस्त हैं,
वह भी अपने आप को ब्राह्मण बन रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से वह उस जाति में पैदा हैं। तो ब्राह्मण का जो एक निश्चित कर्तव्य था उसके तहत ही ब्राह्मण माना गया है, बाकी वह क्या है वह आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल बहुत सारे ग्रंथकारों कथाकारों ने लिखा है कि ब्राह्मण चाहे जितना नीच हो अगर वह उस कुल में पैदा है तो ब्राह्मण रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर यह पुस्तक क्या कह रही है, क्योंकि यह पुस्तक भी ब्राह्मणों की लिखी है, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं, मैं तो केवल पढ़ के सुनाऊँगा और जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे खेला ये लोग करते थे। आइए चलते हैं, इन्हीं के विषय में नाना ग्रंथों के सिद्धांत देते हैं। अर्थात उपनिषदों में ब्राह्मण शब्द का शब्दार्थ इस प्रकार से चला है, यह एक बड़ा जटिल तथा विवादास्पद विषय है। अर्थात आर्य सामाजिकों का कहना है कि कर्म से ब्राह्मण होता है, यानी कोई भंगी भी हो और वह ब्राह्मण के कर्म करे तो वह ब्राह्मण हो जाता है। पर हिंदुओं का कहना है, अब यहाँ पर गौर करिएगा, बड़ी मज़ेदार बात पुस्तक में लिखी है। पहले क्या बोला, आर्य सामाजिक व्यक्तियों का कहना है कि ब्राह्मण कर्म से होता है। कौन कहता है? आर्य सामाजिक। अब फिर अगली बात कौन कह रहा है? हिंदू। हिंदू कौन? यानी जो आर्य है वो हिंदू नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी समझने वाली बातें हैं, इन्होंने अपने आप कह दी हैं, कबूल दी हैं। हिंदुओं का कहना है कि ब्राह्मण जन्म ही से होता है, परंतु हमारे विचार में दोनों ही ठीक नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रीय अनुमत से ये दोनों ही ठीक नहीं, बल्कि ब्राह्मण जन्म तथा गुण कर्म इन तीनों से माना जाना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं जो गुण कर्म के प्रमाण मिलते हैं वे इस युग में आधारानुसार नहीं हैं, किंतु जिस समय ये ब्रह्मी सृष्टि उत्पन्न हुई थी ये वाक्य उस समय के हैं, इसलिए लिखा है। क्या लिखा है? कि ब्राह्मण को किसको कहना चाहिए, यानी ब्राह्मण किसको कहना चाहिए, ब्राह्मण कौन है, ये बात गौर करने वाली बात है। अब ये लोग लिख देते हैं, अगर यही बात मेरे जैसे व्यक्ति ने लिखी होती कि आर्य सामाजिकों का कहना है, यानी आर्य सामाजिक लोग कौन और ये हिंदू लोग कौन, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखा किसने है? ब्राह्मण ने लिखा है। अगर इसी को कोई दूसरा लिख देता तो शायद लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती कि दोनों को अलग कैसे कर रहे हो। लेकिन खैर छोड़िए, अब सिर पर चुटिया जाति का ब्राह्मण लिख दे और उस पर कोई सवाल कर दे तो अधर्मी हो जाता है, ये इस देश की प्रथा है, प्रचलन है, तो हम इस पर सवाल नहीं करेंगे। वो खुद लिखा करें और खुद ही अपनी बातों का खंडन करते रहें। आगे चलते हैं, वज्रसूची उपनिषद में ब्राह्मण शब्द की कसौटी बतलाकर ऋषि ने ब्राह्मणत्व का खूब ही अच्छा निर्णय किया है और शंका समाधान करते हुए आख्यायिका द्वारा यह समझाया है कि मनुष्य में क्या ब्राह्मण शरीर को कहते हैं। अब गौर करिएगा, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण किसको कहना चाहिए। अब यह कह रहे हैं, ब्राह्मण मनुष्यों में क्या ब्राह्मण शरीर को कहते हैं, क्या ब्राह्मण जीव का नाम है, क्या ब्राह्मण वेद का नाम है, क्या ब्राह्मण किसी प्रकार के वर्ण का रंग रूप का विशेष नाम है, क्या ब्राह्मण कर्म का नाम है, अथवा ब्राह्मण कोई ऐसी जाति है जिसके देखने मात्र से ही ब्राह्मणत्व का निश्चय हो जाए, क्या पंडित हो जाने के से ब्राह्मण कहाया जा सकता है, क्या धर्म करने से ब्राह्मण हो सकता है, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को लेकर ऋषि ने इस जटिल गूढ़ प्रश्न को निर्णय करके सुलभ कर दिया है। तिस आख्यायिका का भावार्थ यहाँ दिया जाता है, यानी ब्राह्मण हम किसको कह सकते हैं, किसको मानना चाहिए, इसके लिए आगे आपको इन्होंने डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। यह यहाँ जिज्ञासु का प्रश्न है कि को ब्राह्मणों, यानी ब्राह्मण कौन है, तो जानिए ब्राह्मण कौन है। प्रश्न है, ब्राह्मण कौन कहाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर
सब एक से हैं। ब्राह्मण के शरीर में ऐसी कौन सी भिन्नता रची गई है कि जिसके देखने मात्र से ही ब्राह्मण जान लिया जाए या ब्राह्मण मान लिया जाए। अतः जिज्ञासु पूछता है कि अतिथि भगवान जो ब्राह्मण किंजीव किम भागव, कहिए कि ब्राह्मण कौन है, क्या शरीर में जो जीव है उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। अब उत्तर है, उत्तर ये जो संस्कृत में बातचीत चल रही है लेकिन यहाँ उत्तर मैं हिंदी में ही आपको बता रहा हूँ। जीव ब्राह्मण नहीं है, यानी जो जीव है वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि गधा कुत्ता घोड़ा मानव सारे तो जीव हैं, तो इनमें ब्राह्मण कौन है। मज़ेदार बात है, सोचने वाली है, क्योंकि प्राणी मात्र में जीव सब में एक सा है, सबको एक सा सुख प्रतीत होता है। जीव के जो लक्षण शास्त्र में वर्णित हैं वे सभी जीवों पर एक से घटित होते हैं। मनुष्य के जीव में व पशु के जीव में भिन्नता है, वह केवल इंद्रिय संसर्ग ही की है। अर्थात मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रिय व 5 कर्मेंद्रिय तथा मन, इन 11 इंद्रियों का स्वामी है। तो मनुष्य में ज्ञानेंद्रिय का, पशुओं में ज्ञानेंद्रिय का अभाव है। अन्यथा क्षत्रिय का जीव, वैश्य का जीव, शूद्र का जीव तथा महाशूद्र व भंगी के तक के जीव में कुछ भी भेद नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि जीव ब्राह्मण नहीं है। वेदांत विषय को लेने से जीव एक है, आवागमन के विषय को लेने से भी जीव जीव सब एक ही प्रमाणित होते हैं। इस सब हमारे कथन की पुष्टि में महाभारत में ऐसा प्रमाण किया गया है कि ब्राह्मण कौन है। अब आप समझ सकते हो, ब्राह्मण है, ब्रह्मा के मुख से पैदा है, पैदा वो भी वहीं से होता है, कहाँ से, माँ के गर्भ से। और दूसरी तरफ जो सबसे नीची जाति इन्होंने बनाई है, जब से छोटी जाति बनाई है, वो जात भी पैदा कहाँ से होती है, अपने माँ के गर्भ से। और कभी आपने देखा है कि कोई ब्राह्मण स्पेशली वह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, स्पेशली कोई विमान आके लेके गया हो उसे मरते वक्त, बेचारा वो भी उन्हीं लकड़ियों में फूंका जाता है जिन लकड़ियों में बेचारा शूद्र फूंका जाता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो अंतर को अब यही समझना है, दोनों में अंतर कोई नहीं हुआ, वहां से सारे बराबर आए थे और यहां से गए सब बराबर हैं। बस फर्क कब हुआ कि वहां उसने किस घर में जन्म लिया, यहां इसने किस घर में जन्म लिया। बराबरी आते ही पता लग गई और बराबरी जाते ही पता लग गई। अगर वहां स्वर्ग से कोई विमान आता, ब्राह्मण साहब को विमान लेके जाता, तब तो वहां पे मानते हम कि नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कौन कहा जाता है ब्राह्मण, अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए महाभारत क्या लिख रही है। दशारण्य में सप्तव्याध व कालिंजल पर्वत पर 710 मृग तथा मानसरोवर झील पर इस ओर सरदीप में चक्रवाक के ये कुरुक्षेत्र में पैदा हुए ये वेदांत प्रवीण ब्राह्मण थे। यानी जो इस क्षेत्र में पैदा हुए और किसके, वेदांत के प्रवीण थे वेदांत में, वो सभी ब्राह्मण थे। तो क्या आज के सभी ब्राह्मण वेदांत में प्रवीण हैं, यह प्रश्न। अगर वो वेदांत में प्रवीण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, जात में पैदा हो गया वह अलग बात है। अब उसे जबरदस्ती आप मानते रहो ये ब्राह्मण है ब्राह्मण है, तो कैसे ब्राह्मण हो, तिवारी में पैदा है तिवारी रहेगा, ब्राह्मण कैसे हो जाएगा। पांडे में पैदा है पांडे है, ब्राह्मण कैसे हो जाएगा। 500 जातियाँ ब्राह्मण कैसे हो सकती हैं। अब इधर भी ये 500 जातियाँ जो शूद्रों में पाई जाती हैं वो अपनी जातियाँ हैं, लेकिन वो शूद्र कही जाती हैं। लेकिन भ्रमवश वो बेचारे एक नहीं हो पाते, उधर वो एक हो लेते हैं, 6,000-7,000 जो जातियाँ हैं वो एक हो जाती हैं, और इधर भी ये 6,000-7,000 जातियाँ एक नहीं हो पाती। काहे को, यही समझने के लिए लगातार जागोपंच आपको जागृत कर रहा है। अब आइए चलते हैं, अब कौन कह रहा है ये, अब अगला श्लोक है, जो श्लोक है वो कह रहा है कि संगोपांग वेद वेदांगों का ज्ञाता ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण कौन है यहीं से आपको स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको हंसी भी आएगी,
कि आप अपने समाज में जो देखते हैं ब्राह्मण आज किस तरह का है, वो पहले किस तरह का था, तो ब्राह्मण के लिए कुछ निर्देश भी हैं कि अगर उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो ब्राह्मण नहीं है। देखिए, सांगो पौंग वेद वेदांगों का ज्ञाता ब्राह्मण शूद्र के यहाँ का दान ले लेता है, और ब्राह्मण वह ब्राह्मण 12 जन्म तक गधे की योन में चला जाता है, और 60 जन्म तक शूद्र तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में प्राप्त होता है। तो आज आपको पता चल गई होगी मनुष्यों और कुत्तों की घनिष्ठता का रहस्य। जो हम आम मानव हैं, ये आपके घर के आगे जो ये पूंछ हिलाता हुआ मिल जाता है, अब आप इसके रहस्य को समझ रहे होंगे कि ये आखिर आपके दरवाजे पे आया क्यों है। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही हैं जो, नहीं तो इस ब्रह्मा ने इसको जन्म क्यों दिया था भाई? ब्रह्मा ने कुत्ते को क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि अब इनके श्राप के अनुसार, यानी इस कहे के अनुसार, जो ब्राह्मण शूद्र के यहाँ का दान ले लेगा, शूद्र के यहाँ खाना खा लेगा, वह कितने दिन तक गधा बना रहेगा, कितने दिन कुत्ता बना रहेगा, और कितने दिन तक सुअर बना रहेगा, यह आपको स्पष्ट हो गया। ये तीनों जानवर केवल केवल ब्राह्मणों को खाना खा लेने की वजह से ब्रह्मा ने बनाए थे, वरना इन जानवरों की उत्पत्ति का कोई उद्देश्य नहीं था ब्रह्मा का। केवल केवल यही बनाना था, इनको सजा देनी थी कि तुमको मैंने मुंह से पैदा किया था और तुमने मेरी बातें नहीं मानी, तो तुम्हें यह सजा मिलेगी, तुम गधे बनोगे, तुम सुअर बनोगे, तुम कुत्ता बनोगे। तो आप देखते हैं कुत्तों की जनसंख्या देश में कितनी है, तो आप समझ सकते हैं कि जिन ब्राह्मणों ने गलती की थी वह आज सजा भुगत रहे हैं। किस किस रूप में भुगत रहे हैं? कोई सुअर बन रहा है, कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है। अब ये मेरी बात लोगों को थोड़ी खराब लग सकती है, लेकिन लिखा आपने है तो ये आपने लिखा है और मैं केवल उसे पढ़ रहा हूँ और उससे रिलेट कर रहा हूँ। जो आपने लिखा है अगर आज उससे हम रिलेट करें तो निश्चित तौर पर आपकी उच्च जाति की श्रेष्ठता यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। फिर आगे, यदि जीव ब्राह्मण होता तो ऐसे अनेकों विधान ब्राह्मण जीव के लिए नहीं होते, इसके लिए भी ये निश्चय होता कि जीव ब्राह्मण नहीं है। अब आप समझ सके हैं कि जीव जो है वह ब्राह्मण नहीं है। अब दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि क्या जाति ब्राह्मण है? यह जानना भी जरूरी बहुत है, क्योंकि आज हमारे समाज में हजारों जातियां अपने आप को ब्राह्मण कहती हैं, तो यह समझना भी जरूरी है कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है। अब जबरन स्वयंभू सभी जातियां जैसे है, यादव अपने आप को क्षत्रिय कहने लग गया, कुर्मी अपने आप को क्षत्रिय कहने लग गया, वर्मा अपने आप को क्षत्रिय कहने लग गया, जाटव अपने आप को क्षत्रिय कहने लग गया, तो इसी तरह बहुत सारी जातियाँ इसी तरह बढ़ई हैं, अपने आप को शर्मा यानी ब्राह्मण कहते हैं, और बहुत सारे इसके विषय में आंदोलन भी चले हैं कि वह ब्राह्मणों में है। और मैं इसके बारे में कई पुस्तकें भी दे सकता हूँ आपको, जिस जो इसके बारे में, और बहुत सारी और जैसे भाट है, ये भी अपने आप को ब्राह्मण ही समझते हैं, और भी जो जातियाँ हैं वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो हैं वो इनको ब्राह्मण नहीं समझते। जैसे क्षत्रिय जो हैं, या ब्राह्मण क्षत्रिय जो है, वह यादव वर्मा मौर्य या और जो जातियाँ अपने आप को स्वयंभू कहने में लगी हुई हैं कि हम क्षत्रिय हैं, उनको क्षत्रिय मान थोड़ी रहा है। आपकी अपनी जाति मान रही है, अगली जाति जो दूसरी आपकी है वह आपको मानने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे स्वयंभू बन सकते हो अपने आप? ये तो सामाजिक मान्यता के आधार पर है, तो आप उसका खंडन कर सकते हो लेकिन उसको स्थापित नहीं कर सकते हो। आइए फिर चलते हैं यहाँ की क्या जाति ब्राह्मण है। जाति निर्णय, जाति ब्राह्मण इति चेतई ही, मतलब ये संस्कृत में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ। यदि यह माना जाए कि जाति हो ब्राह्मण होती है तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि अन्य जीव नीच जातियों में पैदा हुए, यानी बहुत सारे जीव नीच जातियों में पैदा हुए और बाद में ब्राह्मण बन गए। कौन से? आओ आप ही देख लो। बहुत ऋषि
ऋषिवर ऐसे हैं जैसे ऋषि सिंह मुनि। ऋषि सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये राम को जन्म देने वाले थे, अपन इन्होंने यज्ञ किया था तभी राम पैदा हुए थे, तो यह राम को जन्म देने वाले थे। तो ये कैसे पैदा हुए थे, हिरणी के पेट से पैदा हुए थे। कौशिक ऋषि दर्भ के गुच्छे से पैदा हुए थे। गौतम ऋषि, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है इनके बारे में छोड़ देते हैं। वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि मिट्टी के ढेर से। व्यास जी कैवर्त कन्या यानी भोज की कन्या से। पराशर चंडालिनी यानी भंगनी से। वशिष्ठ जी वैश्या नामक रंडी से। विश्वामित्र जी क्षत्रिया से। अगस्त ऋषि फूल से। मांड्य मांडव ऋषि मंडुकी से। मातंग ऋषि मातंगी से। और अचल मुनि हथनी से। महर्षि नारद दासी से। भारद्वाज ऋषि सूद्री से। आदि आदि अनेकों उदाहरण पुराणों में ऐसे मिलते हैं जिनकी ब्राह्मण जाति में उत्पत्ति नहीं है, तथापि वे अपने कर्म प्रबल्य से अत्यंत ब्राह्मणत्व को प्राप्त पाए। इसलिए यह सार ये निकला कि जाति ब्राह्मण नहीं होती, इसकी ही पुष्टि महाराष्ट्र ब्राह्मण विद्वान पंडित पंडोस गोपाल जी ने अपनी जाति निबंध सन 1884 में गणपति कृपा के छापे खाने में छाप कर प्रसिद्ध किया कि महाराष्ट्र भाषा के ग्रंथ के पृष्ठ 143 में ऐसा लिखा है कि अचल मुनि हाथनी के पेट से पैदा हुए थे, अगस्त ऋषि अगस्ती के फूल से, कौशिक ऋषि कुशा घास से, ऋषि मुनि बंदरी से, कपिल मुनि बंदरी से, गौतम मुनि सालगुल्य नामक वल्ज से, द्रोणाचार्य जी द्रोण से, तित्र ऋषि तित्री से, परशुराम जी महाराज रेणुका नामक धूल से, श्रृंगी ऋषि हिरणी से, व्यास जी महाराज कोलनी से, विश्वामित्र चंडालिनी से। अब आप समझ सकते हैं कि एक नहीं दो दो प्रमाण लिखे गए हैं। और वशिष्ठ ऋषि उर्वशी नाच गाना करने वाली अप्सरा से पैदा हुए थे और एक भी ब्राह्मण माता नहीं थी, परंतु ये सब श्रेष्ठ ऋषि माने गए, अतः जाति ब्राह्मण नहीं ऐसा सिद्ध होता है। अब आप सभी को आज ये स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण जो है वह कोई जातिवाति नहीं है, ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। और आज ये जो ब्राह्मण बने घूम रहे हैं ये जबरन के ब्राह्मण हैं, वह तिवारी पांडे ये सब हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है। यही बताना आपका उद्देश्य था क्योंकि इनकी पुस्तकों में ये लिखा है, ये मेरा कहना नहीं है, पुस्तकें इन्हीं ब्राह्मणों की लिखी हैं और मैं इनकी ही बातें मान रहा हूँ, क्योंकि इनकी बातें नहीं मानूंगा तो मैं विधर्मी कहलाऊंगा और हिंदू भी कहलाने लायक नहीं रहूंगा। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि इन सब की बातों को मानना, इनकी बातों की रक्षा करना, क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना ये लोग मुझे इस देश में रहने नहीं देंगे। जब इन्होंने भगवान को रहने नहीं दिया, अग्नि को शाप दे दी, समुद्र को खारा कर दिया, तो मेरे को ढेर करने में कितनी देर लगाएंगे, एक ही यज्ञ करने की देर होगी और मेरा स्वाहा हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो साथी हमारे देखते आ रहे हैं जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे वीडियो नए नए इस तरह के देखते रहें। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।